हेलो। हाँ भाई, आप लोग सभी डॉट पेन रजिस्टर निकालें और चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टॉपिक का नाम पीपीएल हो। तो 10 नंबर में जैसा मैंने आपको बताया था प्लियोरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिन, तो आज वही आपको मतलब करना है। सबसे पहले इस पी का मतलब प्लियोरो, सेकेंड पी का मतलब पी ए न्यूमो नी, इसका मतलब लाइक, और इसका मतलब ऑर्गेनिज्म। ये है आपका क्या, प्ल्यूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिन। इसकी फुल फॉर्म ध्यान से कर लें, प्ल्यूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिन, आल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। इट इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, इट इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि ये कहा जाए कि ये सबसे सूक्ष्म संरचना होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है। बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, लेकिन वायरस से ये बड़े होते हैं, लार्ज। तो ये इनका मतलब क्या, साइज मेजरमेंट, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक इसकी स्पीसीज है, गैलीसेप्टिकम, जो सबसे छोटे होते हैं। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इस पृथ्वी के सबसे छोटे जीव के रूप में जाने जाते हैं, सबसे छोटी सेल्स के रूप में जाने जाते हैं, सबसे छोटी कोशिका के रूप में मुख्य रूप से इनको जाना जाता है। एक साइंटिस्ट थे, क्या नॉकोड, नॉकोड और रॉक्स साइंटिस्ट थे, ये दो साइंटिस्ट है, नॉकोड और रॉक्स साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1898 में, 1898 में प्लूरल फ्लूड की स्टडी कर रहे थे। एनिमल के इन्फेक्टेड प्लूरल फ्लूड को इन्होंने लिया था, जो प्लूरो निमोनी से इन्फेक्टेड प्लूरल फ्लूड था, इसको लिया। तो स्टडी करने के दौरान इनको इसकी खोज हुई थी, क्या स्टडी करने के दौरान इनको खोज हुई थी। तो इसकी आप और हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो देखिए कैरेक्टर में देखें तो सबसे पहला कैरेक्टर तो यही बता सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे, दीज आर यूनिसेलुलर, दीज आर यूनिसेलुलर, यानी ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा लिख सकते हैं, दीज आर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सी सेल्स पाई जाती है इनमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। दूसरा के बता सकते, सेल वॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ अंडरलाइन कर ले, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। मेजो सोम्स एब्सेंट, ध्यान आ गया, मीजोसोम्स क्या स्ट्रक्चर होती थी बेटा, ध्यान आया कि नहीं। ठीक है, फिर क्या करेक्टर बता सकते हैं, दीज आर पैरासिटिक, क्या कैसे होती है, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, यानी कि परजीवी प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं, परजीवी प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरों के शरीर पर उपस्थित रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। सेप्रोफिटिक यानी कि ये डेड डिके मटेरियल, सड़े गले पदार्थों से भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये इनके क्या और भी करेक्टर बता सकते हैं, कि इनको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जा सकता है, क्या कराया जा सकता है बेटा, इनको मैं बोलता चल रहा हूँ आप लिखते चले, इनको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जा सकता है। इनके चारों ओर बाई लेमिनर लेयर पाई जाती है, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, तो जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या पीपीएलओ के चारों ओर सिर्फ एक लेयर पाई जाती है, जिस लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो लिपिड
और प्रोटीन की बनी हुई होती है। काय की बनी होती है? लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। दीज आर फाउंड इन सीव ट्यूब, दीज आर फाउंड इन सीव ट्यूब। प्लांट का फ्लोइंग वाला जो भाव होता है, जो भोजन को पत्तियों से बना हुए भोजन को इधर उधर ले जाने का कार्य करता है, वह तो फ्लोइंग होता है। इस फ्लोइंग में एक ट्यूब पाई जाती है जिस ट्यूब को सीव ट्यूब कहा जाता है। उसमें यह इन्फेक्टेड सीव ट्यूब में ये पाए जाते हैं, इन्फेक्टेड सीव ट्यूब में भी ये पाए जाते हैं। ये इसके क्या बताने हैं आपको करेक्टर, और करेक्टर बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। इट हैज डीएनए और आरएनए, यानी इसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो ये आप क्या बता सकते हैं, इनके कैरेक्टर बता सकते हैं। अब चर्चा करते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। तो ये बेटा मैं मिटा रहा हूँ नाम से, ध्यान से, प्ल्यूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिज, प्ल्यूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिज। तो अब आप देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, डायग्राम मैं बना रहा हूँ, तो देखें, देखिए बिल्कुल सिंपल डायग्राम है बेटा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक लेयर बनानी है और दूसरी लेयर बनानी नहीं है। आपको मैं पहले कह चुका, सिर्फ आउटर जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्लियर? जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो देखिए ये लेयर, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली कर दूं मैं इस प्रकार से, जल्दी जल्दी। ये तभी तो डायग्राम पहले बना दें वो ज़्यादा अच्छा रहता है, टाइम थोड़ा सा बचता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सिंपल बिल्कुल डायग्राम है तो ये बनकर तैयार भी हो गया आपका डायग्राम में, ये बनकर तैयार हो गया। देखिए अब इसमें क्या बनाया, ये सर्कुलर डीएनए में बना रहा हूं, ये सर्कुलर डीएनए बना दिया। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में इसमें राइबोसोम बनाऊंगा, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम बना दिए, तो इनको भी थोड़ा सा। राइबोसोम कौन से पाए जाते हैं? 70S टाइप्स के। कौन सा राइबोसोम होता है? 70S टाइप्स राइबोसोम पाया जाता है। विशेष ध्यान रखें, इट इज ए वेरी स्पेशल कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल का बहुत ही विशिष्ट लक्षण है 70S राइबोसोम का पाया जाना, क्योंकि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है बेटा, और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों टाइप्स के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये है आपका डायग्राम बनकर तैयार हो गया, इस बीच में आपको मैंने थोड़ा सा बता भी दिया। तो देखिए, इट इज ए आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी लेयर है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी कि इसको कोशिका झिल्ली, जो काय की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये क्या होती है बेटा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सबसे आउटर लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। बाई लेमिनर होती है, यानी द्विस्तर होती है, एक लिपिड प्रोटीन की बनी हुई होती है। जो साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, ये मैं आपको पहले से इंडिकेट कर देता हूं, कोशिका द्रव्य या जिसको साइटो प्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म के चारों ओर जो कवरिंग लेयर होती है
वह कवरिंग लेयर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। पहली चीज, इस साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में डीएनए पाया जाता है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये बिखरा हुआ पाया जाता है। क्लियर। इसके अलावा रेड कलर में देख रहे हैं कि आप 70S राइबोसोम है। क्या है, 70S राइबोसोम है। और सॉल्यूबल फेज में इसमें आप क्या बना सकते हैं, थोड़ा सा मैं बना देता हूं, आरएनए। तो ये लिख दिया गया आरएनए। तो बस ये स्ट्रक्चर है। देखिए इसके चारों ओर जो लेयर पाई जाती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, बाई लेमिनर होती है यानी द्विस्तरीय होती है। सेल वाल इसमें देखिए कहीं नहीं बनाई, सेल वाल एब्सेंट होती है, इस वजह से आउटर मोस्ट लेयर यही होती है बेटा। पहली साइटोप्लाज्म के चारों ओर कवर्ड है, यानी सेंटर में जो पाया जाता है, क्या इसके अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इस कोशिका द्रव्य में देखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, द्वि धागे, द्वि सूत्रीय धागे पाए जाते हैं, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है, जिसे डबल स्ट्रैंड डीएनए कहा जाता है, द्वि सूत्रीय डीएनए। क्या कह दिया इसको, द्वि सूत्रीय डीएनए के नाम से जाना जाता है। सॉल्युबल फेज में आरएनए पाए जाते हैं और 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो बेटा इतनी सिंपल इसकी स्ट्रक्चर है। तो लास्ट में एक चीज मैं बता के जाऊंगा कि इस पृथ्वी की सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल्स है वो यही आपके सामने बनाई है, उसका क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम पीपीएलओ प्लूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखें, बिल्कुल वीआईपी कैटेगरी का, हर मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक, ओके, नेक्स्ट लेक्चर।